हेलो एवरीवन, दिस इज हिमांशु मिश्रा। मैं आपको सनराइज क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यहां पर इंग्लिश की स्टार्टिंग कर रहे हैं और इंग्लिश के सारे वन डे एग्जाम्स की तैयारी यहां पर होगी और आपको हम बेसिक इंग्लिश बोले तो एक तरीके से बोला जाता है जीरो से हीरो आपको बनाने की यहाँ तैयारी होगी। चलिए देखते हैं इंग्लिश में। तो स्टार्टिंग आपकी जनरली आप लोगों ने देखा है कि इंग्लिश जो स्टार्ट करते हैं बचपन से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को बचपन में ही अल्फाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। तो अल्फाबेट्स तो मैं आपको यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा लेकिन अल्फाबेट्स से ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो सब आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले जो कि अल्फाबेट से बनता है वो होते हैं क्या, वर्ड्स। लेकिन वर्ड्स अल्फाबेटिकल का एक अरेंजमेंट होता है, आप ऐसे नहीं इम्प्रॉपर ऑर्डर में कोई भी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो एक जब प्रॉपर ऑर्डर होता है तो ये बोली तो प्रॉपर ऑर्डर ऑफ अल्फाबेट्स होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। और अगर हम लोग वर्ड्स को देखें तो वर्ड्स से बनता है सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ड्स से क्या बनता है, सेंटेंस। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस भी एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है ऑफ वर्ड्स। तो जब हम एक प्रॉपर अरेंजमेंट करते हैं वर्ड्स का तो उससे एक बनता है सेंटेंस। मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने लाइन लिखी प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स और इसी को मैं लिख देता वर्ड्स अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर, इसका मतलब क्या है, कोई सेंस नहीं बनता। तो एक्चुअली बोले तो एक सेंसिबल अरेंजमेंट होता है, तो प्रॉपर को हम लोग एक सेंसिबल अरेंजमेंट भी कह सकते हैं। ये जो मैंने जनरल बातें लिखी है ये एक्चुअली में आपको समझनी है, ये ना किसी एग्जाम में ये इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा क्योंकि वन डे एग्जाम आप अगर दे रहे हो तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन आगे जो चीजें हम बताने वाले हैं आप लोग अपनी कॉपीज खोल के रखें, जो भी यहां पर आपको अच्छा लगता है उसको लिखें, जो आपको नॉलेज नहीं लगती है वो लिखें। और उसके अलावा आपको अपनी समझ बना के रखनी है कि हमें क्या लिखना है, क्या नोट डाउन करना है, क्या याद रखना है और किस चीज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो सेंटेंस, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो जनरली इंग्लिश की स्टार्टिंग अगर हम देखी जाए तो वो एक सेंटेंस ही होती है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस का यूज हर एक चीज में होता है, चाहे वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच हो या हमारा कोई भी टेंस हो, तो हर एक चीज में सेंटेंस का काम है। क्योंकि विदाउट सेंटेंस हम लोग कोई भी चीज, यहां पर कोई भी आपको सेंटेंस जब तक नहीं पता होगा तब तक हम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, कोई बात हम बता नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको सबसे पहले सेंटेंस बताने की कोशिश करूंगा और उसके बाद हम लोग वन बाय वन आगे एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एक एक टॉपिक को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात मैंने की, मैंने टेंस की बात की। तो अभी आप इसको ध्यान ना दें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, टेंस क्या होता है, इट्स जनरली बस आपको ध्यान रखना है कुछ बातें मैंने कही है, आगे मैं एक एक बात का मतलब आपको बताता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम आपसे बात करें तो कि आखिर सेंटेंस क्या होता है, ठीक है, जनरली बस अभी कुछ भी ज्यादा लोड नहीं लेना है कि एकदम से स्टार्ट कर दिया क्या बता रहे हैं, तो बस एकदम नॉर्मल जो बात मैं कह रहा हूं उसको सुनिए, बिल्कुल और सब मुझ पर छोड़ दीजिए आप, सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का। तो प्रॉपर अरेंजमेंट वर्ड्स का अगर होता है तो आखिर उसमें कुछ प्रॉपर में कुछ आएगा, जैसे पहले मैं ये बोलूं फिर मैं ये बोलूं फिर मैं ये बोलूं। तो इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले जो हम सेंटेंस में बात करते हैं वो बात करते हैं किसकी, सब्जेक्ट की। अब बहुत लोग होंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कर्ता क्रिया कर्म। तो ये करता है, मतलब ये एक डूअर है जो काम करता है, दैट्स कॉल्ड करता डूअर। तो सब्जेक्ट बनने का काम अगर बात करें आपको, जैसे आपने पढ़ा है तो सब्जेक्ट बनने का काम करेगा कौन कौन, नाउन भी करेगा और प्रोनाउन भी करेगा। कौन करेगा, नाउन भी करेगा और प्रोनाउन भी करेगा, किसका, सब्जेक्ट बनने का काम। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान हो या उसका सीधा नाम दिया हो या उसकी जगह पर कोई शब्द यूज किया जा रहा हो तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं, वो बनता कौन है हमारा, सब्जेक्ट। दूसरी बात कि आखिर और क्या होगा, तो बहुत लोग कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट के साथ वर्ब होता है ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन नहीं, अगर हम बात करें तो सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है
और होता है प्रेडिकेट। क्या होता है? प्रेडिकेट। तो इन दो चीजों से मिलकर एक सेंटेंस बनता है। तो सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट आपको दिखता है और कभी कभी नहीं दिखता है, मतलब कभी कभी आपको सीन होगा और कभी कभी ये अनसीन रहेगा, लेकिन ये होता है। जैसे कि अगर मैं सेंटेंस एक लिखूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेंटेंस यहां लिख रहा हूं, मैं लिख दूं यहां पर वर्क हार्ड। अब आपको पता है वर्क हार्ड सेंटेंस में ये जो स्टार्ट हुआ है ये क्या है? वर्क। ये एक वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और हार्ड यहां पर क्या है? एडवर्ब है। वर्ब है और एडवर्ब है। सब्जेक्ट कहां है? तो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहां पर नहीं है। इसका मतलब क्या? सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है एक्चुअली। ये सेंटेंस कहा जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, मतलब आज्ञात्मक वाक्य। इसको आप अपने आप पे ही समझते हो कि ऑर्डर दे रहा है, एडवाइस दे रहा है, प्रॉमिस कर रहा है, क्या कर क्या रहा है। तो वर्क हार्ड जो मैं बोलता हूं तो यहां पर एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन वो कैसा होता है? बोले तो अनसीन या हिडन। क्या होता है? हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। क्या होता है? छुपा हुआ होता है। जो होता कौन है? होता है यू। क्योंकि मैं जब बोल रहा हूं वर्क हार्ड तो मैं सामने वाले से बात कर रहा हूं, कौन है वहां पर? यू है। तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सब्जेक्ट नहीं भी होता है, सब्जेक्ट हमेशा मौजूद होता है, बस कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता है। अब बात करें प्रेडिकेट की, तो प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट को हम तीन भागों में बांटते हैं, इसके थ्री टाइप्स होते हैं। तो हम बात करें इसको तो थ्री पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करें तो जो पहला पार्ट होता है वो कही जाती है वर्ब, जो दूसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, और जो तीसरा पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये हमारी तीन पार्ट्स होते हैं इसके, प्रेडिकेट के। तो इसका मतलब क्या है कि कभी सिर्फ वर्ब हमें मिलेगी तब भी हमारा वाक्य पूरा, सेंटेंस पूरा, अगर हमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिला तभी भी हमारा सेंटेंस पूरा, और अगर हमें वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला और कॉम्प्लीमेंट भी मिला तो भी हमारा सेंटेंस एक पूरा हो जाएगा। इसका मतलब सिंपल शब्दों में कि सेंटेंस बनता है कितनी चीजों से? दो चीजों से, सब्जेक्ट से और प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट कौन बनने का काम करता है? जो कार्य कर रहा होता है, करता। और वो बनता कौन है? या तो नाउन बनता है या प्रोनाउन बनता है। तो आपने देखा कि हमने नाउन प्रोनाउन की यही बात करी, तो शुरुआत कहां से की? इसीलिए हमने सेंटेंस है, क्योंकि आपको जब यही नहीं पता होगा कि सेंटेंस क्या होता है तो अगर मैं बोलूंगा ये नाउन है ये प्रोनाउन है तो बनेगा कौन? सब्जेक्ट ही बनेगा। तो इसका मतलब सब्जेक्ट सबसे पहले किसमें आया? सेंटेंस में। इसीलिए शुरुआत हमारी आज सेंटेंस से हुई है। तो प्रेडिकेट क्या है?